हेलो दोस्तों, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज प्लान हो रहा है सब्जी बनाने का। आज हमने सोचा सब्जी बनाते हैं। बहुत दिन से मीट खा रहे थे, मछली खा रहे थे, लेकिन कभी कभार सब्जी का भी टेस्ट लेना चाहिए। बढ़िया होती है सब्जी स्वास्थ्य के लिए। तो आज हमारा जो प्लान बना, ये हमने हरी सब्जी बनाने की सोचा, पत्ते वाली। काफ़ी फायदेमंद होती है खाने में, साथ में आलू भी है इसमें। ये देखिए, ये हमारे सब मसाले हैं। टमाटर है, ये हल्दी, नमक, मिर्ची। इस तरह से लहसुन को देखिए जो है काट लिया है। ये सूखी मिर्च, मेथी है, जीरा है। चलते हैं, शुरू करते हैं आगे का प्रोसेस। 100 ग्राम तक तेल हमने ले लिया है इसमें। दोस्तों, आज भी दुकान से आने में बहुत देर हो गई हमको। रास्ता इतना लंबा रहता है, काफी टाइम लग जाता है आने में। रोटी वोटी बाजार से ले आते हैं कभी कभार। तेल हमारा गर्म हो रहा है। वैसे सेहत के लिए सब्जी ज्यादा फायदेमंद है, मीट मछली से ज्यादा फायदेमंद सब्जी है। और इसमें भारी मात्रा में प्रोटीन, सॉरी, इसमें जो है भारी मात्रा में फाइबर होता है, और फाइबर बहुत फायदा करता है आपके शरीर के लिए। प्रोटीन तो हमारा जो है मीट में होता है, ज्यादा सब्जियों में नहीं होता। ये हम लहसुन, मिर्ची, जीरा, मेथी और अजवाइन गरम तेल में इसको जो है डाल देंगे। बच गया नहीं, अभी हमारा बर्तन जो है नीचे चला जाता। ये हल्का गरम कर लेंगे इसको हम, इससे हम पकड़ लेते हैं, नहीं तो बर्तन गिरने का भी डर है, गिर सकता है बर्तन। दोस्तों, लहसुन मिर्ची वगैरह जो है हल्का फ्राई हो गया है। अब हम इसमें पालक और आलू को डाल देंगे। अभी थोड़ा गैस को कम कर लेते हैं। ये देखने में इतना सारा लग रहा है, अभी एक जो है कम हो जाएगा। ये जैसे फ्राई होगा कम हो जाएगा। सब्जी अभी क्या है, हरी हरी है, इस वजह से ज्यादा दिख रही है। जैसे जैसे ये फ्राई होती रहेगी कम होती जाएगी। दोस्तों, रूम पे क्या है, अभी हम लोग 3 लोग रहते हैं। पापा रहते हैं, एक भाई रहता है और हम रहते हैं। मम्मी हमारी रहती है इलाहाबाद में, जो हमारा घर है वही है। यहाँ पे भोपाल में हम लोग रहते हैं, काम वाम करते हैं। अब उनके भी आने का प्लान हो रहा है, मम्मी का भी आने का प्लान हो रहा है। जब आ जाएंगी तो खाना जो है बनाएंगी, अभी खुद से ही बनाना पड़ता है। और खाना बनाने का क्या, हमको बहुत शौक भी है। वहां भी रहते थे तो खाना बहुत बनाते थे। खाना बनाना अच्छी बात है। अगर आपकी शादी हो जाए, कभी भी वाइफ आपकी बीमार हो जाए, तो आप खुद से बना लीजिए खाना, बर्तन धो लीजिए, कपड़े धो लीजिए, आप भी खुश, आपकी वाइफ भी खुश। ये देखिए, जैसे जैसे सब्जी फ्राई हो रही है, ये धीरे धीरे कम होती जा रही है, थोड़ी सी गिर भी गई जमीन पे। बहुत अच्छी फ्राई हो रही है। अब बाकी के मसाले भी हम, ये अपना टमाटर हो गया, ये हल्दी, मिर्ची, नमक, सबको ऐसे डालेंगे हम। और एक हाथ हल्के से
इस तरह से चला देंगे ताकि अच्छे से सब मिक्स हो जाए। इसमें पानी हम नहीं डालेंगे, इसको ढक देंगे हम हल्का फ्लेम कम करके, छोड़ देंगे थोड़ी देर। अब ये धीरे धीरे पकती रहेगी, थोड़ा पानी पी ले। ये हमारा बर्तन है, इसी में पानी रखते हैं। अभी क्या है कि फ्रिज हमारे यहाँ नहीं है। अब जैसे गर्मी का मौसम धीरे धीरे आने वाला है फरवरी के बाद, फ्रिज का भी इंतजाम करना है हमें। खाने वगैरह क्या उसमें खराब नहीं होंगे, अपना बनाया कुछ बच गया फ्रिज में रख दिए। अब इसको हम हटा कर एक बार चेक करते हैं। देखिए हमने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला। ये क्या है कि ना पालक की सब्जी में पानी बहुत ज्यादा अपने से निकलता है, ये सब्जी पानी बहुत ज्यादा छोड़ती है। इसमें आपको पानी बिल्कुल डालने की जरूरत नहीं है, अगर आप पानी डाल देंगे तो ये बिल्कुल खराब हो जाएगी सब्जी। इसमें जो है बहुत होता है पानी। अभी आलू नहीं गला हुआ है, धीरे धीरे आलू गल रहा है। ये साइड से देखिए हल्का हल्का गला है, बीच से भी नहीं गला आलू। तो इसी तरह हम इसको ढक के रख देंगे, गलने देंगे हम। तो काफी टाइम हो गया है, चलते हैं देखते हैं कि सब्जी जो है बन के तैयार हुई कि नहीं। धीरे धीरे आंच पे बन रही थी, अब हो सकता है तैयार हो गई हो। हमको इसमें आलू को चेक करना है। अब पालक तो हमारा अच्छे से जो फ्राई हो गया है, बस ये देखना है कि आलू गला या नहीं गला। वैसे देखने से तो लग रहा है कि आलू गल गया होगा। हाँ बन गया है, अच्छे से गल गया ये, काफी अच्छा टेस्ट आया इसका। चलिए ऐसे नहीं, हम चावल के साथ थोड़ा खाएंगे। अभी तो सिर्फ हम आलू को टेस्ट कर लेते हैं। बहुत अच्छे से गला है और मसाले का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है इसमें। ये हम चावल निकालते हैं इसमें। थोड़ी सी सब्जी लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनी है। दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट में अपनी राय दें।